So we will be discuss about the matrices, types of matrices, right? So हमने types of matrices देखे, उसमें क्या solve करना है. So सबसे पहली वाली जो types है वो है हमारी row matrix, जिस matrix में सिर्फ एक ही row रहेगा उस matrix को हम row matrix कहेंगे. Column matrix, a matrix having only one column. Square matrix, equal number of rows and columns. Zero or null matrix, a matrix in which all elements are zero, called a zero matrix. Diagonal matrix, a square matrix in which diagonal elements are different and non-diagonal elements are zero. जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स ये डिफरेंट रहते हैं और डायगोनल एलिमेंट जीरो रहते हैं उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. उसके बाद में हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. 7.1 यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज वन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. इट्स लेट्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय ए टू पावर टी और ए डैश. हम इसमें ट्रांसफर करते हैं रो जो है उसको हम कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. बाद में हमने देखा सिंगुलर मैट्रिक्स, जो हमें मैट्रिक्स दे होता है उसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और उसकी अगर वैल्यू जीरो आती है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. मीन्स दैट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स. मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देन अब हम देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर मींस दैट व्हाट, ऊपर के साइड में. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर मींस दैट ऊपर के साइड में, मगर यहां अपोजिट डेफिनेशन है. अपर ट्रायंगुलर मींस व्हाट, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहते हैं, इसमें भी रोज और कॉलम्स इक्वल रहते हैं. 2, 3, 5, 0, 6, 7, 0, 0, 8. ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे पूरे जीरो आते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स च्या खालच्या साइडला सगळे जीरो आले. डायगोनल एलिमेंट च्या खालच्या साइडला सगळे जीरो आले की त्याला म्हणायचं अपर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. लक्षात ठेवा, उलटी डेफिनेशन है, अपोजिट डेफिनेशन है. डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो साइड में जब कभी भी जीरो आएंगे उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर. बोले तो अपर है तो ऊपर चाहिए, मगर इसके अपोजिट डेफिनेशन है. सो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के साइड में पूरे जीरो रहेंगे तब उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. उसके बाद में है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज मीन बाय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं? अपोजिट डेफिनेशन. 5, 0, 0, 7, 8, 0, 1, 2, 3. सो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के साइड में पूरे जीरो रहते हैं उसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर. ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 12. सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मीन्स दैट डायगोनल एलिमेंटच्या खालच्या साइडला सगळे जीरो आले त्याला म्हणायचं अपर ट्रायंगुलर, आणि डायगोनल एलिमेंटच्या वरच्या साइडला सगळे जीरो आले त्याला म्हणायचं लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. समजलंय? चला चला, संपले आपले डेफिनेशन. आता आपण पाहूयात ऍडिशन सबट्रॅक्शन. सो ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ मॅट्रायसेस मैंने कुछ प्रॉब्लेम्स देखे हैं, अब वही प्रॉब्लेम्स हम कंटिन्यू करेंगे. देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. मैंने आपको जो होमवर्क के लिए दिए थे आपने वो सॉल्व करे या नहीं करे? आपने वो सॉल्व करे है या नहीं? मैंने जो होमवर्क के लिए आपको फोटो सेंड करा था वो आपने सॉल्व करा है या नहीं? कमेंट कीजिए. हेलो गाइस, प्लीज कमेंट कीजिए. अरे सॉल्व करा है या नहीं?
दो ही करे सिर्फ, बेस्ट, बहुत अच्छे। हर्ष आप अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, मगर अभी आपको ही पता होगा क्या प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बताऊं। इफ ए इज इक्वल्स टू 2 - 3 = 4, बी इज इक्वल्स टू 4 - 5 = 3 - 2, सी इज इक्वल्स टू 3 - 1 = 6। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है 3a + 4b - 2c। तो चलिए बच्चों आप ये सॉल्व कीजिए। हेलो गाइस, वो आया नहीं सॉल्व, आपको कुछ आंसर बताने वाले नहीं, ये शुरू करना पड़ेगा।
ओके आदित्य, आदित्य आपका आंसर आ गया। ठीक है, चला पा सॉल्यूशन इज देयर गिवन, गिवन में पूरे मैट्रिक्स लिखने हैं, ए का मैट्रिक्स 2 - 3 - 3 - 4, बी का मैट्रिक्स है 4 - 5 - 3 - 2, सी का मैट्रिक्स है 3 - 1 - 0 - 6, सो देयरफॉर 3A + 4B - 2C, सो 3 मैट्रिक्स ऑफ ए 2 - 3 - 3 - 4 + 4, वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिया, ए है ए का मैट्रिक्स प्लस 4 है अभी बी, बी का मैट्रिक्स 4 - 5 - 3 - 2, देन -2, सी का मैट्रिक्स, सी का मैट्रिक्स क्या है 3 - 1 - 0 - 6। ओके, सो 3 से हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 - 6, 3 - 3 - 9, 3 - 3 - 9, 4 - 12 प्लस 4 - 4 - 16, 4 - 5 - 20, इज देयर 12, इज देयर -8, माइनस एज इट 3 - 6, 2 - 1 - 2, 2 - 0 - 0, 6 - 12, राइट है। फर्स्ट प्लस फर्स्ट एलिमेंट 6 + 16, पहला एलिमेंट प्लस पहला एलिमेंट जो की एडिशन है उसमें से पहला एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर देना है, सब्सट्रैक्शन का साइन है। 6 + 16 - 22, 22 - 6 - 16, डायरेक्ट कर दो या फिर कैल्सियम में डाल देना है, 6 + 16 - 6 = 2, तो ये आ गया हमारा, राइट है 16। 9 + 20, सो -9 + 20, सो आंसर इज 11। 11 में माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 11 + 2 - 13, 9 + 12 - 21, 21 - 0 - 21, 12 + (-), 12 - 8 - 4, 4 - 12 - 8, that's all. This is the value of 3A + 4B - 2C. कॉन्सन्ट्रेट करून करावे लागते हैं ना सॉल्व, डायरेक्टली सॉल्व केले तर नाही व्हायचे, म्हणजे फुल कॉन्सन्ट्रेट करावे लागते। इतला एलिमेंट घेतला आणि डायरेक्टली इतला घेतला आणि मग इतला घेतला की सगळा ध्यानच असतो, पहिला प्लस पहिला मायनस पहिला, सेकंड प्लस सेकंड मायनस सेकंड, हे हिशोबाने सॉल्व करायचं। ते समजलं का रिपीट करायचं प्लीज कमेंट करा। यस, चला नेक्स्ट। If A is equals to 1, 2, 3, 0, 4, 5, 7, 8, 9, B का मैट्रिक्स है 2, 0, 3, 4, 0, - 1, 2, 3, 1, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 2A - 3B। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। चलिए आपको अगर ये समझ में नहीं आता होगा तो मैं एक सॉल्व करके देता हूं आपको,
गिवन गिवन में हमें दिया गया है 1 2 3 0 4 5 7 8 9। बी का मैट्रिक्स है हमारे पास है 2 0 3 4 0 -1 2 3 1। हमें फाइंड आउट करना है 2A-3B। टू ए का मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 7 8 9 -3। बी का मैट्रिक्स है 2 0 3 4 0 -1 2 3 1। टू वन ज टू, टू टू ज फोर, टू थ्री ज सिक्स, टू फोर, टू जीरो जीरो, टू फोर एट, टू फाइव टेन, 14 16 18। माइनस एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 टू ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। 3 टू द 6 0 9 12 0 माइनस 3 6 9 3। 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 9 माइनस 3 राइट है। हेलो गाइस, बराबर है या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। 0 माइनस 12 इज देयर माइनस 12, 8 माइनस 0 8, 10 माइनस इनटू माइनस प्लस 3 प्लस 3 13, 14 माइनस 6 14 माइनस 6 8, 16 माइनस 9 7। So, यहाँ पे हमें क्या मिला है बच्चों? So, 2A-3B। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने कह रहा हूँ आपको। x is equals to one two minus three four and y is equals to 4 5 1 -3। okay, दिख रहा है आपको? फाइंड करना है हमें 3x+y, सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना। चलिए करिए फाइंड। नेक्स्ट आपने फास्ट सॉल्व करके मुझे बताना है अभी के लिए। इफ a इज इक्वल टू 2 3 2 0 -1 5, बी का मैट्रिक्स है 1 2 1 0 -1 3, हमें इवेल्युएट करना है 3A-4B। If a is equals to 2 3 4 7, b is equals to 1 3 4 6, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है 2A+3B -4i, where I is the unit matrix of order 2। इसका कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मेंशन करा है। F means what is mean by I? तो I ये यूनिट मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 है, तो कैपिटल E मैट्रिक्स है, B का मैट्रिक्स है, I का मैट्रिक्स क्या लेंगे?
तो इसके ऑर्डर 2/2 है, इसके ऑर्डर 2/2 है, तो कैपिटल आई की भी वैल्यू ऑर्डर 2/2 रहने के बाद मिलेंगे। तो कैपिटल आई की वैल्यू क्या लेंगे, 1001। चलिए तीसरे नंबर का आंसर जो है, इसका आंसर पहले बताइए आप मुझे क्या आएगा, बाद में हम देखेंगे दूसरा। गाइस बता रहे हैं सर, 7, 11, -8, 9। ओके 11, -8, 9। ओके ओके ठीक है, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर आ रहा है 212013, ठीक है देख लेंगे हम क्या आ रहा है, वही आता है क्या। ओके हर्ष, मोनिका, आदित्य, ओके देन डब्ल्यू डब्ल्यू बोलिए कुछ तो भी, योगेश्वर आंसर दे रहे, तुम्हें दो बजे शांत है, दूसरे दिन देता है।
हेलो गाइस, चलिए आप सभी के आंसर्स आ चुके हैं। 212013 315 2028 315 2028। ओके राइट, शाबाश, बरोबर आहे। बर मला सांगा जे थर्ड वन आहे आपलं, हा फिफ्थ वन, ह्यात काय अडचण आहे तुम्हाला? समजलंय का? रिपीट करायचंय दिस वन, समजलं ना? ओके फिफ्थ व्यवस्थित लक्षात ठेवा बरं। ते कोणाला आले? आदित्य, हर्ष, दोघांना चालेल। ठीक आहे, मी सॉल्व करून देते। चला द्या लक्ष, फिफ्थ वन एकदा मी सॉल्व करून देतो तुम्हाला। कसं सॉल्व करायचं पहा, कॅपिटल आय असल्याच्या नंतर दोघांनी आन्सर दिले, दुसऱ्यांनी नाही दिले आन्सर। गिवन, व्हॉट इज गिवन? ए इज इक्वल्स टू 2347 एंड बी इज इक्वल्स टू 1346 आणि ए आय बी आय कॅपिटल आय आय हे बरं, ह्याच्या दोन्हीची ऑर्डर किती आहे? 2/2 आहे, त्यामुळे कॅपिटल आय ची पण ऑर्डर 2/2 असताना घ्यायचं। आय इज इक्वल्स टू 1001 1001। सो काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? 2a + 3b - 4i इज देअर टू व्हॅल्यू ऑफ ए 2347, 3 व्हॅल्यू ऑफ बी 1346, -4 व्हॅल्यू ऑफ आय 1001। 2 × 4 3 × 2 = 6 4 × 2 = 8 7 × 2 = 14 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 4 × 3 = 12 7 × 3 = 18 4 × 1 = 4 4 × 0 = 0 4 × 1 = 4 4 × 3 = 7 7 × 4 = 3 6 × 9 = 15 15 × 0 = 15 8 + 12 - 0 = 20 14 + 18 14 + 18 = 32 32 × -4 = म्हणजेच किती मिळालं? 28। इकायची किंमत मिळाली आपल्याला 2a + 3b - 4i 2a + 3b - 4i। ओके सो गाईज, या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व करायचंय। आता काय तुम्हाला होमवर्क साठी मी क्वेश्चन्स देणार आहे, ते लिहून घ्यायचे, त्याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा, तुम्ही पाहून घ्या काय क्वेश्चन। ज्यांना हे माहिती नाही त्यांनी प्लस स्क्रीनशॉट घ्यायचंय। If A is equals to 2347, B is equals to 1346, A म्हणते find out करा 3a - 2b। A is equals to 2345, मला वाटतं एक्झाम्पल मध्ये काय असं विशेष नाही असं।
काय असं एवढं म्हणजे हे काय एक्झाम्पल तरी काय द्यायचे तुम्हाला, हे असं काय लय कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. बरोबर आहे का मी म्हणतोय ते? ठीक आहे. हॅलो गाईज, चला ओके.